जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके साथ एक नया व्लॉग भी है वाशिंग करते हैं दोस्तों। ये मेरे सामने आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये किला मीरगढ़ है और ये डेजर्ट इलाका है सारा, चोलिस्तान है जी, रोई है, बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बन चुका है जी। ये सामने आप देख सकते हैं, एक सामने वो मस्जिद है जी दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो करीब जाके भी आपको दिखाऊँगा। ये बादशाही मस्जिद बनाई गई है, ये किले जो कि बादशाह था उन्होंने बनाई थी, ये बादशाही मस्जिद, शाही मस्जिद, और ये सारा कहता है चोलिस्तान है सारी इस तरफ, तो इस तरफ जो है इंडियन बॉर्डर है जी, ये सामने इंडियन बॉर्डर है जी। ये पांच किले जो है, एक लाइन में पहले किला आता है किला फोर्ट, उसके बाद किला जो है किला फोर्ट आता है, फिर ये दूसरा किला आता है किला मीरगढ़, और इसके बाद आगे जो दूसरा किला है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो वो आता है किला जामगढ़, किला जामगढ़ के आगे आता है किला मरोड़, मरोड़ के आगे आता है किला दरावड़, ये पांच किले एक ही लाइन में हैं। और जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग जिस इलाके के मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि ये पांच किले एक लाइन में, और इनके नीचे जो पहले सुरंग हुआ करती थी जो अब वक्त के हिसाब से वो ख़त्म हो चुकी है, पहले ये एक सुरंग से ये मिलते थे लेकिन सुरंग ख़त्म हो चुकी है। किला आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह जो है डैमेज हो चुका है, गिर चुका है, ये भी किले की कुछ बिल्डिंग थी जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रोड़े वगैरह ईंटे वगैरह पड़े हैं, तो ये भी ख़त्म हो चुकी है, गिर चुकी है बिल्डिंग, और जिस तरह ये किला जो है वो ख़त्म हो रहा है, गिरता जा रहा है, तो अंदर जाकर वो भी आपको नज़र दिखाते हैं। माजिद भाई खड़े हैं जी, शुरू कर रहे हैं आईफोन 8 प्लस पर। माजिद भाई किस तरह रिजल्ट है आईफोन का? भाई साजिद साहब है कि वीडियो शूट कर रहे थे जनाब, ये भाई वसीम सिकंदर साहब बना रहे थे, जनाब लोकेशन जी तुम दस दी जनाब, जिला बावन लगर जी, डिस्ट्रिक्ट बावन लगर, तहसील फोटाबाद से आखिरी शहर है पाकिस्तान का, इंडियन बॉर्डर है, तो तुम रबता करके आ सकते हो जरूर, इंशाल्लाह रहनमई फरमावे। साढ़े फोटाबाद के गरीबला गाजी साहब ने, कालो नगार ने, साफ़ी ने, प्रेस क्लब के सदर भी ने फोटाबाद के, सारे कदीमान ने, उन्होंने किताब भी लिखी है गरीबला गाजी साहब ने, तो उन्होंने रहनमई भी तुम ले सकते हो फोटाबाद से। मैं जरा मेन रोड है गुरु नंबर रोड से उठी, उन्होंने शॉप, उन्होंने दफ्तर है गाजी साहब का, तो उन्होंने नंबर भी तुम अभी दे सकते हैं, तो अगर कोई दोस्त किला मीरगढ़ आना चाहता दोस्तों जीरो 0381861371 साढ़ा नंबर है, इनशाला अभी उन्होंने जिन्नी हो सकती है इनशाला रहनमई करा। तो यह जनाब जरा किला मीरगढ़ है, इन्होंने कब्रस्तान किले तो तुम दिखाने अभी सामने गिर चुके ने, छत्त ने टुट गई ने, आ मेन दरवाजा होंगे किले का, लकड़ का दरवाजा होंगे सी लेकिन दरवाजे का नामो निशान नहीं रहा, खत्म हो गया, सिर्फ इनकी चुखाट जी ने जी लकड़ की वो खड़ी है, तो उत्ते मिट्टी के टैलों तो नजर आ रही है, तो अंदर जाने जी अंदर के ला जो तुम दिखाने खतरनाक है जी, चढ़ा रस्ता किले के बिल्कुल जी
आखिर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। किला जेड़ा एंट्री पॉइंट मेन दरवाजा उतो अंदर हो जी एंटर ते कौन जाने गैलरी ऊपर खड़ा ते दीवारा दी चौड़ाई जी तकरीबन 8-9 फुट बनती जी। एक दीवार की चौड़ाई 8-9 फुट दीवार की चौड़ाई बल्कि इतने ज़्यादा आ जाती है तकरीबन 10-12 फुट जी चौड़ाई दीवार इन्नी चौड़ाई दीवार की तुम अज तक नहीं देखी हुई। एक किला मीरगढ़ से तुम नज़र दिखा जिना वसीम भाई की हाल ने ध्यान वेख के वसीम भाई जनाब वीडियो शूट कर रहे हैं तो किन्ना खतरनाक रस्ता तुम देख लो कितने खड़े ने वसीम भाई तो ये जनाब थले सुरंग भी तो नज़र आ रही है। वो देखो सामने बारिश का पानी जो सारा ही सेंटर इकट्ठा होकर सुरंग के जरिए बाहर निकलिया तो सारा गिर चुके है। हुकूमत की अदम तवज्जो ना होने की वजह तो यह सूरत इख्तियार हो गई किले की तुम देखो और सामने वाले टैल जड़िया बड़ी बरीक बरीक टैल लगियां ने सारी ये गारे की चुनाई है। पौड़ियाँ तुम देखो ये सारी गारे की चुनाई ने कीतियां ने विच मिट्टी दे पाई दे साइडां ते जड़ी ने टैल की चुनाई की। बड़ा खूबसूरत मुनाजर ने जनाब जो तुम अज असी दिखा रहे हैं किला अमीरगढ़ के तो उम्मीद है जी आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए हम शूट कर रहे हैं बना रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दें जी शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो है मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे जी। तो अब अंदर आपको दूसरा जो अंदर है ये द्वार देखें आप इस द्वार की चौड़ाई है वो 5 फुट है दोस्तों। तो बारिश आई हुई है जगह जो है वो बड़ी नरम है मिट्टी पोली नरम है और पैर जो है वो फिसलने का खदशा है। तो ये देखें जी ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ चढ़कर ये सीढ़ियाँ जी और ये देखें जी ये छत है इसकी गुर्ज की। तो बिस्मिल्लाह तो ये देखें जी दोस्तों कितना खूबसूरत मंजर ये मस्जिद दिखाओ। यहाँ पर कारीगर जो है मेरे ख्याल में इस तरह का कोई कारीगर जो है यू आजकल नहीं होगा जिन्होंने ये इस तरह की मस्जिद ये इस तरह का जो किला वो बना सके।